हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों ये व्लॉग है शुक्रवार यानी तीस अगस्त का मॉर्निंग का व्लॉग है आपको देखने से पता चल ही रहा है कि मॉर्निंग में सबके जाने के बाद ये घर का क्या हाल हुआ पड़ा है तो काम बहुत सारा है तो मुझे फटाफट से इसको ख़त्म करना है तो आज के ब्लॉग में मैं अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं आज सबसे पहले सुबह में मैंने आलू के पराठे बनाए थे स्टफिंग की तैयारी कर ली थी आ, क्योंकि रात में भी मैं डिनर में आलू के पराठे ही बनाने वाली हूँ तो स्टफिंग की तैयारी में ना थोड़ा वक्त लगता है तो इसीलिए मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए और पहले ही स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ रात के लिए भी क्योंकि शाम के टाइम में ना मुझे वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह करना होता है थोड़ा टाइम कम रहता है मेरे लिए तो जब भी आलू के पराठे या ऐसे कुछ बनाना होता है ना मुझे तो मैं उसकी तैयारी दिन में ही कर लेती हूँ तो डिनर का लगभग मेरा रेडी है मैंने वो बना के हटा दिया है और जब स्टफिंग तैयार हो ही गई थी तो मैंने नाश्ते में भी आलू का पराठा ही रख दिया था और अभी लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल फ्राई दाल जो अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था मैंने तो सबसे पहले सोच रही हूँ क्लीनिंग करने से पहले मैं दाल को चढ़ा लेती हूँ जब तक मेरी दाल पकती रहेगी तब तक मैं अपना बर्तन वगैरह धोना या जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा मसूर की दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में भी बच्चों को और सुशील जी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये दाल मैं जब भी बनाती हूँ ना तो इसके साथ कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस सिंपल पापड़ फ्राई कर लेती हूँ और ये दाल रहता है तो ये दाल बहुत ही ज़्यादा चटपटी और टेस्टी बनती है ये दाल तो मैंने बस आज सोचा कि अब स्टफिंग बनाया था तो वो है ही और उसको मैं बनाने में थोड़ा मुझे वक्त लग गया था हर बड़े में सब कुछ करके दिया और उसके लंच को पैक करके दिया तो सोचा कि अब सब्जी क्या ही बनाऊँ ये दाल ही बना लेती हूँ तो सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चलिए अब दाल तो मैंने चढ़ा दिया है तो पहले बर्तन धो के हटा लेते हैं बर्तन काफ़ी थोड़ा इकट्ठा हो गए हैं तो पहले इनको मैं क्लीन कर लेती हूँ न को धो के रखने के लिए जिस टब का हम इस्तेमाल करते हैं मैंने अक्सर देखा है कहीं कि, कि जालीदार टब का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं एक सलाह यही दूंगी कि जालीदार टब के जगह पे हम ऐसे बंद मतलब प्लेन टब का इस्तेमाल करें तो उसमें हमारा ही फायदा है जालीदार टब से क्या होता है ना कि उससे पानी निकल के पूरे काउंटर पे फैल जाता है और नीचे वाले शेल्फ पे भी पानी बिखरने लगता है तो उससे हमारे जो नीचे का एरिया है जो हम लोग सामान रखे रहते हैं जैसे मेरे चावल और आटे का डब्बा है वहाँ पानी रिसने लगता है तो वो हमारी खाने पीने की चीज़ें खराब होने लगती हैं चाहे गंदा भी होने लगता है तो जालीदार टब का इस्तेमाल ना करके हम प्लेन टब का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए जैसे कि मैं करती हूँ उससे सारा पानी जो है बर्तन का टब के अंदर ही रहता है और हमारा इधर उधर गंदा भी नहीं होता है तो बर्तन धो के मैंने हटा लिए हैं और जो स्टफ़िंग थी उसको भी मैंने खाली कर लिया है कढ़ाई को मैंने अभी नहीं धोया है दोस्तों क्योंकि मुझे अभी दाल को फ्राई करना है ना तो मैंने वो ऑयली सा था तो मैंने उसी कढ़ाई को इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं ऑयली कढ़ाई को मैं जल्दी धोती नहीं हूँ मुझे जो भी सब्जी या कुछ भी फ्राई करना होता है तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ और लास्ट में उसको धो के हटा देती हूँ तो बस मैंने यहाँ पे अपना काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया है नीचे का जो भी रोटी बनाने के बाद थोड़ा बहुत जो आटा गिर जाता है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है और दो तीन बार पोछे से अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ तो देखिए क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है अब मुझे बस पोछा लगाना है तो बस पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया है पोछा आज मैंने सुबह नहीं लगाया था आज ना मौसम थोड़ा बारिश सा हुआ है बारिश हो ही रही थी एक्चुअली अभी थोड़ी सी रुकी हुई है तो तो पोछा मैंने इसलिए छोड़ दिया ना कि क्या होता है कि बच्चे रहते हैं पतिदेव रहते हैं तो घर से अंदर बाहर करते रहते हैं तो वो वापस से ना घर थोड़ा गंदा सा हो जाता है बालू मिट्टी आने लगती है बरसात में थोड़ा सा हो ही जाता है कीचड़ जैसा बाहर का आंगन तो वो सारी गंदगी ना घर में आने लगती है तो एक तरह से अच्छा ही है कि सबके जाने के बाद अगर हम पोछा लगाते हैं ना तो हमारा घर जो है वो दोबारा से एक बार क्लीन हो जाता है मतलब सु सुबह में जो क्लीनिंग हम लोग करते हैं जैसे मैं करती हूँ उसके बाद थोड़ा तो गंदा हो ही जाता है सबके जाने के बाद वापस से हमें ठीक ठाक करना पड़ता है तो मैंने ये पोछा आज रहने दिया वैसे भी अगर हम रहने दें सबके जाने के बाद अगर पोछा लगाया जाए तो ये अच्छा आइडिया है कि घर जो है वो वापस से दोबारा पूरी तरह से क्लीन हो जाता है और लंबे समय तक मतलब पूरे दिन तक हमारा घर क्लीन ही रहता है तो इसलिए मैंने मैं तो अक्सर लगा लेती हूँ सुबह के टाइम में लेकिन आज मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बारिश का हुआ पड़ा था तो मैंने कहा कि नहीं सबके जाने के बाद ही मैं पोछा लगाऊँगी और मेरा घर अब काफ़ी क्लीन हो गया था और पोछा लगाने के बाद अब बारी रहती है मोह को क्लीन करने की पोछे को अच्छी तरह से क्लीन कर देना चाहिए मैं डेली ही क्लीन करती हूँ और करना भी चाहिए कि ताकि जो भी धूल मिट्टी जो महीन धूल मिट्टी होती है ना वो पोछे से ही चिपकी रहती है तो थोड़ा साबुन से उसको अगर धो दिया जाए तो वो एकदम क्लीन हो जाता है इन्फेक्शन फ्री हो जाता है तो ये चीज़ मैं रोज़ करती हूँ और दोस्तों मेरा मोप ना अभी बहुत ख़राब हो गया है फट गया है मतलब तो मैं सोच रही हूँ कि अभी नया मोप मुझे ख़रीदना पड़ेगा तो देखते हैं कब लेकर आती हूँ ये मोप तो काफ़ी ख़राब हो गया है मैं डेली ही मोप्स का यूज़ करती हूँ तो वो जल्दी जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं तो उनको भाई ख़रीदना तो पड़ेगा ही बार बार समय पे ख़रीदना पड़ता है वैसे क्लीनिंग की बात आती है तो मोप में हमेशा ही क्लीन करके रखती हूँ धूप में भी अच्छी तरह से सुखा देती हूँ या जो मेरा ये एरिया है ना बाथरूम का इसमें भी हैंगर है उसमें लटका के रखती हूँ तो वो सूख जाता है और जो भी किचन का और भगवान जी के मंदिर का मतलब मेरे घर का जो मंदिर है वहाँ का मोप अलग अलग है मेरा किचन का भी अलग मोप है तो वो सब कुछ मैं क्लीन करती हूँ डेली ही करना भी चाहिए करना ज़रूरी होता है ताकि हमारा घर जो है इन्फेक्शन फ्री रहे अब मोप ही गंदा रहेगा तो फिर हमारा घर कैसे साफ होगा तो किचन का पूरे घर का क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया था उसके बाद अब बारी थी जो मज़दूर लोग हैं जो मेरा घर बन रहा है उनको चाय देने की मैं हमेशा ही दो टाइम उनको रोज़ ही चाय देती हूँ तो अब बारी उनका टाइम हो गया था चाय देने का तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है आज पांच जन आए हुए हैं मैं पूछ लेती हूँ पहले ही जब भी वो आते हैं घर की चाय भी मांगते हैं तो मैं उसी वक्त पूछ लेती हूँ कि आज कितने जनों का चाय मुझे रेडी करना है तो आज पाँच लोग हैं तो मैंने पाँच जनों का यहाँ पर चाय रेडी करने के लिए चढ़ा दिया है और इधर मैंने दाल भी जो मेरी उबल गई थी मतलब पक गई थी तो उसको भी मैंने ब्लेंड करके हटा दिया है और मैं भाई अपने वर्कर्स को भी ना अच्छी वाली चाय बना के देती हूँ ये नहीं कि कुछ भी गंदा सा नहीं बनाती हूँ मैं ऐसा लगता है कि वो मेरा घर बना रहे हैं तो उनको भाई एक चाय में टेस्टी तो बना के दे ही सकती हूँ और बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे छान लिया है बड़ा सा क्लास है ये बहुत ही बड़ा सा क्लास है तो इसे मैं छान कर लेके जाती हूँ एक टाइम इस ग्लास में लेके जाती हूँ दूसरे टाइम एक लोटा मैंने रखा हुआ है उसमें लेके जाती हूँ क्योंकि ये वापस ना लाके देते नहीं है सीधे शाम को लेकर आएंगे तो मैं दो बर्तन रखी हूँ बड़ा बड़ा सा जग नहीं है मेरे पास जग रहता तो मुझे काफ़ी आसानी रहती तो मैं चाय देकर आ गई थी उसके बाद मैं अभी दूसरा काम सोच ही रही थी तब तक मुझे ध्यान आया कि चलो पहले दाल को फ्राई कर लेते हैं क्योंकि शुभ चले गए थे नहाने अपना और उनको भी स्कूल जाना है तो उनको टाइम से खाना वगैरह मुझे खिलाना होता है तो मैंने यहाँ पे दाल फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था इस दाल में ना नॉर्मल जो हम लोग दाल फ्राई करते हैं टमाटर और प्याज डालते हैं इसमें प्याज नहीं डलता है इसमें आपने फ़ौरन देखा मैंने क्या क्या डाला था उसके बाद जो मैंने मसाले डाले थे ना उसमें लहसुन काली मिर्च और जीरा ये पीस के मैंने डाला था आप चाहे तो अदरक भी इसमें डाल सकते हैं तो वो मसाले के साथ मैंने टमाटर को यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से फ्राई किया और टमाटर जब पूरी तरह से गल जाते हैं ना जैसे ये मैं अभी है इसको थोड़ा सा कलछी से मैं मैश कर लेती हूँ जब ये अच्छी तरह से गल जाए तब इसमें दाल ऐड करते हैं तो जब तक मसाले और टमाटर पक रहे थे ना मैंने यहाँ पे चावल भी धो लिए हैं और धो के इनको कुकर में डाल दूँगी तो वो भी मेरा हो जाएगा और यहाँ पे देखिए मसाले मेरे भुन गए हैं अच्छी तरह से टमाटर गल गया है तो अब मैंने यहाँ पे दाल को ऐड कर दिया है और दोस्तों यकीन मानिए ये दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना एकदम चटपटी सी सब्ज़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इस दाल के साथ मैं सिर्फ पापड़ फ्राई करके हटा लेती हूँ और उसके साथ हम लोग बड़े मज़े से खा लेते हैं सबको पसंद है सूबी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है उसको ऐसी चटपटी दाल ना सांभर हो या फ्राई दाल हो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो बस मैं उसके लिए ही सोच सोच के ना कुछ कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ कि भाई उसके हिसाब से ही खाना बनना है अगर कुछ उसके पसंद का ना बने तो खाना ही नहीं खाता है भगवान तो बस मैंने चावल भी हटा दिए और लास्ट में दाल मेरी देखी पक गई है लास्ट में मैंने धनिया की पत्तियाँ ऐड कर दी हैं इससे थोड़ा स्वाद जो है और भी ज़्यादा इन्स हो जाता है बहुत ज़्यादा यमी दाल बनती है ये तो मेरी दाल जो है बिल्कुल रेडी है अब मैं आज को बंद कर दूंगी और कढ़ाई से इसको खाली कर दूंगी तो जब भी मुझे कभी चटपटा कुछ खाने का दिल करता है तो मैं ये वाली दाल ज़रूर बनाती हूँ आप भी चाहे तो इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी दाल बनती है ये और यहाँ मैंने अपने बेटे के लिए खाना निकाल दिया है क्योंकि सारे बाड़ा हो रहे हैं उसे खाना खाने का टाइम हो गया है आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो पसंद आया होगा अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय टेक केयर